एसबीएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोरोना से जंग जीतने वालों की गल रही है हड्डियां। घरेलू उड़ानों के लिए सरकार ने बढ़ाई यात्रियों की क्षमता, अब 65% कैपेसिटी के साथ भर सकेंगे उड़ान। भाजपा ने उतारे ओबीसी उम्मीदवार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिन लोगों ने भी अब तक कोरोना को मात दी है उनमें कई लोगों को अलग अलग बीमारियां होने की खबरें सामने आ रही है। एक तरह से ये सब कोरोना का साइड इफेक्ट भी कहा जा सकता है। पहले कोरोना को हराने वाले कई लोगों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस नाम की बीमारी शुरू हुई थी, जो अभी तक मुसीबत का सबक बनी हुई है। अब इसी कड़ी में एक नई बीमारी भी जुड़ चुकी है जिसका नाम है एवेस्क्यूलर नाइक्रोसिस यानी बोन डेथ। इस बीमारी ने मुंबई के डॉक्टरों की मुश्किल बढ़ा दी है। दूसरी खबर, कोरोना की दूसरी लहर अपने अंत की ओर बढ़ रही है। अब ऐसे में एक बार फिर से सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुट गई है। बाजारों, मॉल्स, व्यवसायिक केंद्रों को खोलने का आदेश दे दिया गया है। वहीं यात्रियों की संख्या में तेजी आने के साथ विमान सफर में यात्रियों की क्षमता बढ़ने का आदेश दे दिया गया है। यानी सरकार के इस आदेश के बाद अब डोमेस्टिक उड़ाने 65% यात्री क्षमता के साथ संचालित हो सकेगी। केंद्रीय उड़ान मंत्रालय की ओर से मिली इजाजत के बाद अब घरेलू विमान कंपनियां 50 के बजाय 65% यात्री क्षमता के साथ उड़ान भर सकेंगे। तीसरी खबर, विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया था जिला परिषद उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को मौका देगी। भाजपा ने इसी पार्श्वभूमि में सभी सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को ही मौका दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने नेता विपक्ष का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। उधर कांग्रेस भी ओबीसी उम्मीदवारों को मौका देकर यह चुनाव ओबीसी केंद्रित कर दिया है। 2019 में हुए चुनाव में भाजपा के 15 उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर चुनाव आयोग ने उनके सहित कुल 16 उम्मीदवारों का निर्वाचन रद्द कर दिया है। ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों से निर्वाचित होने की वजह से सदस्यों पर यह गाज गिरी। इस बार भाजपा के निधान को उपचुनाव में मौका न देकर उनके स्थान पर योगेश डाफ को मैदान में उतारा गया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।